नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube के कुछ ऐसे सच्चाई के बारे में जिसके बारे में पता तो सभी लोगों का है, जानते तो सभी लोग हैं, बट बात करना कोई नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं YouTube शॉर्ट्स के बारे में। आपको पता होगा कि YouTube लगातार कुछ दिनों से YouTube शॉर्ट को, जो भी शॉर्ट वीडियो होता है, उसको काफ़ी तेजी से प्रमोट कर रहा है। इवन शॉर्ट वीडियो के लिए काफ़ी सारे नए नए अपडेट भी लेकर आ रहा है। YouTube के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे चेंजेज भी अभी के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड बैक टू बैक YouTube जो है शॉर्ट वीडियो के लिए, शॉर्ट जो भी क्रिएटर बनाते हैं उनके लिए काफ़ी सारे अपडेट भी लेकर आ रहा है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या फ्यूचर में आने वाले टाइम में YouTube पर सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही चलने वाले हैं, क्या लॉन्ग क्रिएटर का करियर खत्म हो गया है? ऐसे में काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये सवाल उठता है। तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बात करने वाले हैं, पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस एक वीडियो में। और दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अभी के टाइम पे जो भी बंदा लॉन्ग वीडियो बनाता है, अगर उसका कंपैरिजन शॉर्ट वीडियो से किया जाए तो शॉर्ट वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज आ रहा है एंड काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में लॉन्ग वीडियो का जो व्यूज है काफ़ी डाउन रह रहा है। एंड यहाँ तक कि YouTube जो है लॉन्ग वीडियो को उतना प्रमोट करने पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे में सवाल तो जरूर उठता है कि क्या फ्यूचर में सच में जो है यूट्यूब सिर्फ शॉर्ट वीडियो को ही प्रमोट करने वाला है, क्या शॉर्ट वीडियो का ही क्रेन जाने वाला है? तो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो इस वीडियो को मैं जरूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आज की इस एक वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारा प्रयास अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको ये बात करना चाहिए कि आखिर YouTube ने ऐसा कैसे सोचा, YouTube ने ऐसा क्यों सोचा कि हमको अपने प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट वीडियो को लॉन्च करना चाहिए। ये चीज़ें सबसे पहले हमको बात करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले एक TikTok नाम का एप्लीकेशन हुआ करता था। हालांकि ये एप्लीकेशन अभी भी रन करता है, बट इंडिया में बैन कर दिया गया है, अदर कंट्री में काफ़ी अच्छे से वर्क भी करता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि जब TikTok इंडिया में आता है तो उसकी फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। अब TikTok क्या था, ये चीज़ आपको पता होगा कि वहाँ पर लोग सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही अपलोड करते थे। 15 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड का वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। अब 15 से 30 सेकंड में आप कुछ भी बना करके एक शॉर्ट में वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर अपना एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, कुछ स्टोरी लगा कर, कुछ फोटो लगा कर, उस पर एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ें सभी को पता है, ठीक ना? अब दोस्तों, होता क्या था कि पहले के टाइम पे अगर आप TikTok यूज करते थे तो आपको पता था कि पहले के टाइम पे क्या था कि TikTok अपने यूजर का बिल्कुल भी एक भी रुपया नहीं देता था, यानी कि जो भी TikTok पर वीडियो बनाते थे उनको पैसे नहीं देता था। तो आप बात आती है कि आखिर लोग काम क्यों करते थे? तो देखिए, सिंपल सा रीज़न है कि अगर आप TikTok पर अपना खुद का फैन फॉलोइंग बना लेते हैं, अगर आप खुद से फेमस हो जाते हैं, तो होता क्या था कि आपको लोग जब पहचानने लगते हैं ना, तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको काम करने का मौका मिलता था। एंड इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी सारे लोगों ने TikTok पर आना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों, TikTok का जो ग्रोथ है काफ़ी तेज़ी से हो गया, ये चीज़ सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद YouTube ने भी देखा कि काफ़ी सारे जो ऑडियंस है TikTok पर जाने लगी, यानी कि TikTok का जो फैन फॉलोइंग है, जो ग्रोथ है, काफ़ी तेज़ी से होने लगा। तो YouTube ने यह भी सोचा कि भाई, मुझे भी अपने चैनल पर कुछ उसी प्रकार से शॉर्ट वीडियो का एक मतलब कि प्लेटफॉर्म लेकर आना चाहिए। तो YouTube ने क्या किया कि उस टाइम पर ही YouTube शॉर्ट का फीचर लॉन्च कर दिया। हालांकि YouTube भी वहाँ पर कुछ भी पैसे नहीं देता था, ये चीज़ें सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि YouTube ने TikTok से इंस्पायर होकर ही YouTube पर शॉर्ट वीडियो का क्रेंज लेकर आया, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक ना? लेकिन दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कि जब इंडिया में TikTok को बैन कर दिया गया, अब इंडियन गवर्नमेंट ने TikTok को बैन कर दिया, तो होता क्या है कि जब TikTok बैन हुआ तो काफ़ी सारी और भी प्लेटफॉर्म आई जो कि सेम टू सेम TikTok जैसा काम करते थी, बट वो सारे प्लेटफॉर्म जो है इतना सक्षम नहीं हो पाई, यानी कि इतना मतलब पॉसिबल इंडिया में नहीं चल पाई। तो होता क्या है कि जब YouTube पर शॉर्ट वीडियो का क्रेंज आ गया था, अब लोगों ने वही काम किया कि जो भी TikTok पर वीडियो अपलोड करते थे उसी वीडियो को डाउनलोड करके YouTube पर अपलोड करना स्टार्ट कर दिए। काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा किया एंड उसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से भी हुई, क्योंकि जब इंडिया में TikTok को बैन कर दिया गया तो लोगों को उसको देखने में इंटरेस्ट हो गया था। अब उसी चीज़ को देखने के लिए लोग YouTube पर आकर के शॉर्ट वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों, इस तरीके से होता क्या है कि YouTube पर जो शॉर्ट का वीडियो का जो क्रेंज है काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर क्या था कि YouTube भी अपने शॉर्ट क्रिएटर को कुछ भी पैसे नहीं देता था। कुछ दिन पहले की बात है कि जब YouTube पर शॉर्ट आया था तो YouTube भी अपने शॉर्ट क्रिएटर को बिल्कुल भी पैसे नहीं देता था। और इसी बीच में TikTok ने क्या किया कि जब भी मतलब कि इंडिया में तो TikTok को बैन कर दिया गया, बट अदर कंट्री में जहाँ पर TikTok चलता था, TikTok वहाँ पर मोनेटाइजेशन का अपडेट लेकर आ गया। आपको पता होगा कि अभी के टाइम पर जो भी बंदा TikTok पर वीडियो बनाता है उसको पैसे मिलते हैं, उसका भी चैनल मोनेटाइज होता है। TikTok ने ये अपडेट लेकर आ गया है, हालांकि इंडिया में बैन है तो किसी को पता नहीं है। अब दोस्तों, होता क्या है कि अदर कंट्री के लोग अगर YouTube पर पैसे नहीं मिल रहा है शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो लोग TikTok पर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो लेकिन अब YouTube भी दिमाग लगाता है कि मुझे भी अपने क्रिएटर को पैसे देना चाहिए।
अब YouTube ने क्या किया कि जो भी शॉर्ट वीडियो बनाता था बंदा उसको शॉर्ट फंड देना स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी कि जो भी बंदा शॉर्ट वीडियो बनाता है जिसके वीडियो पर लाखों में मिलियन व्यू जाता है सिर्फ उसी को शॉर्ट फंड मिलता था। तो अब हर बंदे के चैनल पर तो लाखों में मिलियन व्यूज नहीं आते हैं, जिसके चैनल पर व्यूज कम आते हैं तो वो बंदा यूट्यूब को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, टिकटॉक पर जाना स्टार्ट कर दिया, अदर कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब यूट्यूब को ये लगा कि अब मतलब कि मेरे प्लेटफॉर्म पर काफ़ी कम लोग आ रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी कहना गलत नहीं है कि लोगों ने क्या किया कि आज के टाइम पर आपको पता होगा कि जो भी बंदा शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो एक एक शॉर्ट वीडियो बनाने में भी काफ़ी लोग अच्छी खासी मेहनत करते हैं, अच्छे से स्क्रिप्टिंग करते हैं, तीन चार लोग मिल करके नेक्स्ट मतलब अलग अलग लोकेशन पर शूट करते हैं एंड कहीं ना कहीं एक वीडियो को क्रिएट करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे शॉर्ट क्रिएटर को देखा होगा। अब लोग क्या हुआ कि यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब कि अच्छे व्यूज लाने के चक्कर में लोगों ने मेहनत करना भी स्टार्ट कर दिया। अब अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो काफ़ी सारे जो क्रिएटर हैं अच्छी खासे मेहनत करके अच्छे से स्क्रिप्टिंग करके एक एक शॉर्ट वीडियो को क्रिएट करते हैं एंड उनके वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आते हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ कि यूट्यूब ने शॉर्ट चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अपडेट लेके रख दिया। अब अपडेट लाने के पीछे का रीज़न क्या है सबसे पहले आप ये जान लीजिए। देखिए होता क्या है कि अब काफ़ी सारे क्रिएटर जो है शॉर्ट फंड के चक्कर में काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने लगे। अब YouTube शॉर्ट फंड देता था तो काफ़ी लोगों को देने लगा क्योंकि भाई अच्छे खासे व्यूज सभी के चैनल पर आने लगे, काफ़ी लोग अच्छा खासा मेहनत करने लगे तो सभी को शॉर्ट फंड देना पड़ेगा। अब इसी बीच में YouTube क्या किया कि शॉर्ट चैनल को अभी के टाइम पर रिसेंटली शॉर्ट मोनेटाइजेशन का अपडेट लेकर लगाया। अब शॉर्ट मोनेटाइजेशन का अपडेट लाने के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई है। अब क्या है कि जैसे मान लो कि YouTube का जो भी शॉर्ट फंड देता था तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा रुपया सभी को मिल जाता था, मतलब कि काफ़ी अच्छे खासे शॉर्ट फंड दिए जाते थे सभी क्रिएटर को। बट अब क्या है कि YouTube का जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो ही पैसे मिलेगा। अब मोनेटाइजेशन का जो पॉलिसी है वो क्या है मैं आपको इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि सभी को पता है जब तक आपके चैनल पर 90 दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज नहीं आता है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेगा। हालांकि YouTube ने ये भी अपडेट अभी तक टाइम पर दे दिया है कि शॉर्ट फंड का जो मतलब कि फंड है जो इसे मतलब कि अगर आपके चैनल पर कम व्यू आते हैं तो शॉर्ट फंड अभी भी मिलेगा, YouTube ने ये बोला है, ठीक ना। हालांकि शॉर्ट फंड को बंद नहीं किया गया है, ये चीज़ सभी को पता है। अब दोस्तों होता क्या है कि इस तरीके से शॉर्ट का जो क्रेज है काफ़ी तेज़ी से YouTube पर बढ़ते चला जाता है एंड आज के टाइम पे ऐसा स्थिति हो गया है कि YouTube पर सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही देखे जाते हैं। अगर मैं ऑडियंस की बात करूँ तो आज के टाइम पे 70% ऑडियंस YouTube पर जो भी ऑडियंस है 70% ऑडियंस सिर्फ YouTube शॉर्ट देखने के लिए आती है, TikTok की तरह यूज करते हैं, वीडियो को देखते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं एंड चले जाते हैं। यानी कि 70% जो ऑडियंस है ना सिर्फ TikTok की तरह यूज करने के लिए YouTube को आते हैं, इंडिया की मैं बात करूँ तो, क्योंकि इंडिया में TikTok नहीं है, इसके जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सिर्फ लोग क्या करते हैं YouTube को जो है शॉर्ट वीडियो देखने के लिए यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं YouTube जो है शॉर्ट वीडियो के चक्कर में शॉर्ट क्रिएटर के चक्कर में लॉन्ग क्रिएटर को धीरे धीरे भूलता जा रहा है। ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा आज के टाइम पे जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, आप किसी भी बड़े क्रिएटर को उठाकर देख लो पहले के टाइम पे उनके वीडियो देखना एंड अभी के टाइम पे वीडियो देखना, अभी के टाइम पे उनका व्यूज जो है डाउन हो गया है, ये चीज़ सभी को पता है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या आगे आने वाले फ्यूचर में सिर्फ यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो ही चलने वाला है, क्या यूट्यूब जो है लॉन्ग क्रिएटर का करियर खत्म कर दिया है। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होने वाला, ठीक ना, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा डाउट है कि यूट्यूब पर मैं भी अब शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। हालांकि शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, इसमें आपको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आप कोई शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो उससे अर्निंग कितना होगा ये चीज़ आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं 10 शॉर्ट वीडियो देखता हूं एंड 10 वीडियो को देखने के बाद एक मुझे मतलब जो ऐड आता है, तो अब एक ऐड आएगा तो वो 10 वीडियो को आपका एक ऐड में से रेवेन्यू शेयर होगा, तो आप समझ सकते हैं कि अर्निंग कितना होने वाला है, ये चीज़ आप जरूर समझ सकते हैं, ठीक ना। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या आने वाले फ्यूचर में YouTube पर सिर्फ शॉर्ट वीडियो का ही क्रेज चलने वाला है, बट ऐसा नहीं होने वाला, ठीक ना। हाँ हालांकि YouTube जो है अभी फिलहाल के टाइम पे शॉर्ट क्रिएटर को काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर रहा है एंड इसका भी कुछ सॉल्यूशन है। जैसे मान लो कि अगर YouTube सिर्फ शॉर्ट क्रिएटर पर ध्यान दे रहा है तो मैं जरूर बोल सकता हूँ कि YouTube अपने प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस को बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसके चक्कर में YouTube को लॉन्ग क्रिएटर को भी प्रमोट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि लॉन्ग क्रिएटर को भूलते चले जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब इसमें बात करेंगे कि आखिर YouTube पर शॉर्ट वीडियो को प्रमोट तो कर रहा है लेकिन लॉन्ग क्रिएटर को प्रमोट करने के लिए YouTube को ऐसा क्या करना चाहिए। देखिए मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं ऐसा कोई नहीं बोल सकता हूं कि मैं दबाव दे रहा हूं किसी को, नहीं मैं खुद का अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं कि आखिर YouTube को क्या करना चाहिए। अगर मान लो कि YouTube को शॉर्ट को प्रमोट ही करना है तो YouTube को एक काम और करना चाहिए कि YouTube पर जो भी शॉर्ट वीडियो का फीचर है उसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन लॉन्च कर देना चाहिए YouTube का, ताकि होता क्या है कि जैसे मान लो कि अब एक ही प्लेटफॉर्म है YouTube पर, यहाँ पर लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो दोनों चलते हैं। अब लोग करते क्या है कि यहाँ पर 70% ऑडियंस YouTube पर सिर्फ शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आती है, तो ऐसे में क्या होती है एक लॉन्ग क्रिएटर का जो कैरियर है धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो ऐसे में अगर YouTube एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर देता है सिर्फ शॉर्ट क्रिएटर के लिए, तो जिस बंदे को सिर्फ शॉर्ट वीडियो देखना है तो वो शॉर्ट वाले वीडियो मतलब कि प्लेटफॉर्म पर जाकर के शॉर्ट वीडियो देख लेगा एंड जिस वीडियो मतलब बंदे को पर्टिकुलर लॉन्ग वीडियो देखना है वहीं YouTube को ओपन करेगा।
तो ऐसे में यूट्यूब का क्या होगा कि शॉर्ट वीडियो का भी करियर खत्म नहीं होगा एंड साथ में लॉन्ग वीडियो जो बनाते हैं उसका भी करियर खत्म नहीं होगा, दोनों का साथ में ग्रोथ होता रहेगा। यूट्यूब को मेरा खुद का ओपिनियन है कि ऐसा कर देना चाहिए। हालांकि ये यूट्यूब का आप मतलब खुद का मतलब चॉइस है कि क्या करेगा क्या नहीं, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बाकी दोस्तों आपका इसके ऊपर ओपिनियन क्या है कमेंट में जरूर बता देना। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि जो मतलब कि लॉन्ग वीडियो बनाते हैं उसका कैरियर खत्म होने वाला है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि शॉर्ट वीडियो से यूट्यूब को आज भी इनकम बहुत कम होता है, ज़्यादा इनकम जो है लॉन्ग वीडियो से ही होता है। जो बंदा लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उसमें से 45% यूट्यूब रखता है रेवेन्यू एंड 55% आपको देता है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग वीडियो से भी अर्निंग यूट्यूब को ही होती है, ठीक ना। तो लॉन्ग क्रिएटर का करियर खत्म नहीं होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकते हैं। एंड अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, बस आपको हिम्मत नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं इसी प्रकार से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।